पिछले एपिसोड में आपने देखा, हार्ली, बिली और हिपोलिता टार्टरस के प्रिजनर्स की पिटाई करके वहां से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहां एरीज आ जाता है, जिसके मदर बॉक्स को चुरा के वो तीनों अपने आप को कहीं और टेलीपोर्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ बैटमैन और उसकी टीम अमेजॉन वॉरियर्स को बचा रहे होते हैं, तभी जियोस वहां आके पोसिडन को ओशियंस पीछे करने को कहते हैं और वहीं पर बैटमैन सुपरमैन को हार्ली की पोजीशन बताता है। एक न्यूज चैनल पर रिपोर्टर्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि सुपरमैन के चले जाने के बाद अब कौन ग्रीक गॉड्स को चैलेंज करेगा, और उसके भी ऊपर क्या सारे रिलीजन ज्यूस के आगे झुक जाएंगे। करोड़ों हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस सब अपने अपने धर्म को छोड़ के ज्यूस को फॉलो तो नहीं कर सकते। तब एक रिपोर्टर कहता है कि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, जिस पे दूसरी रिपोर्टर कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि बाकी की लीग कहाँ है। तब वहीं पर एक और रिपोर्टर कहता है कि हमारी दुनिया की किस्मत इन सुपर हीरोज के हाथ में होना मुझे कभी सही नहीं लगा था। जिस पे उसका साथी रिपोर्टर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, अभी हमारी गवर्नमेंट है कहाँ। तब हम देखते हैं दुनिया के बाकी लीडर्स को एक सीक्रेट मीटिंग में, जहाँ वो सब ये सोच रहे होते हैं कि अब वो किसके भरोसे रहेंगे। तभी एक लीडर सबसे बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें आर्मेगेडन प्रोटोकॉल लागू कर देना चाहिए, जिस पे दूसरा लीडर कहता है कि मुझे लगा सुपरमैन पूरी दुनिया को डिसआर्म कर चुका है। तब यूएस के प्रेसिडेंट बताते हैं कि जब सुपरमैन ग्रीन लैंटर्न से निपट रहा था, तब उनके लोगों ने कई न्यूक्लियर मिसाइल्स को एक लेड बेस में छुपा दिया ताकि ऐसी सिचुएशंस का सामना कर सके। तब दूसरा लीडर पूछता है कि तब भी क्या हम ओलंपस पर हमला कर देंगे, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जगह है कहाँ। जिसपे एक और लीडर कहता है कि सारे भगवान थेमिस्केरा से अपना ऑपरेशन चला रहे हैं, हमें न्यूक्लियर वेपन्स को कंसिडर करना ही होगा। तब हम देखते हैं हार्ली को किसी से ये बोलते हुए कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, एक बार बस मेरे हाथ खुल जाए। तब हम देखते हैं कि हार्ली, बिली और हिपोलिता के आगे और कोई नहीं बल्कि डार्क साइड होता है, जो कि हार्ली से बोलता है कि तुम्हारा मुझे ऐसे चैलेंज करना बेकार है। जिसपे हार्ली बोलती है कि तुम बेकार हो। तब बिली और हिपोलिता हार्ली को समझाते हैं कि डार्क साइड को गुस्सा दिला के हमें कुछ नहीं मिलेगा। तब डार्क साइड कहता है कि तुम लोग एरी से मदर बॉक्स जरूर चुरा चुके हो, पर तुम मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिसपे हिपोलिता पूछती है कि फिर हमें बांध क्यों रखा है। तब डार्क साइड कहता है कि ताकि मैं तुम लोगों को टॉर्चर कर सकूं। पर अगले ही पल सुपरमैन वहां आके डार्क साइड को एक जबरदस्त पंच मारता है और उस पर कंटिन्यूस वॉर करते हुए बोलता है कि तुम्हारी प्लानिंग अब खत्म हुई। तब सुपरमैन हार्ली, बिली और हिपोलिता को छुड़ाता है। तभी डार्क साइड सुपरमैन से बोलता है कि मुझे तुम्हारा इंतजार था क्रिप्टोनियन, एरिस तुम्हारे शांति के सपने को तोड़कर तुम्हें मेरे हवाले करने वाला था ताकि मैं तुमसे अपने बेटे की मौत का बदला ले सकूं, पर अब मैं इस लड़ाई को ज्यादा एंजॉय करूंगा। पर अगले ही पल सुपरमैन डार्क साइड को पंच मार के कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। तब हिपोलिता और हार्ली बिली से कहती हैं कि वो दोनों रेडी हैं, और तभी वो तीनों मदर बॉक्स का यूज करके वहां से निकल जाते हैं। तब सुपरमैन डार्क साइड पर जोरदार वार करके कहता है कि तुम अब कभी अर्थ को हाथ नहीं लगा पाओगे। पर अगले ही पल डार्क साइड सुपरमैन को एक पंच मार के उसे दूर कर देता है और सुपरमैन एक दीवार पर जा टकराता है। तब डार्क साइड सुपरमैन के सामने आके बोलता है कि कैलीबैक के नाम पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारे हर चाहने वाले की जान ले लूंगा। दूसरी तरफ बिली हार्ली और हिपोलिता को हिमालय ले आता है। तब हार्ली उन दोनों से कहती है कि अब मेरे पास घर जाने का एक बेटर आइडिया है। दूसरी तरफ अर्थ पर हम देखते हैं ज्यूस को एक चर्च पर बिजली गिराते हुए। तब न्यूज रिपोर्टर आगे बताते हैं कि ज्यूस अब एक मॉस्क पर भी बिजली गिरा रहे हैं। क्या ये ताकत की झलक, एक्ट ऑफ टेररिज्म या ज्यूस के रिलीजन पर जंग की पहली तस्वीर है। थेमिस्केयर से वंडर वुमन ये सब देख रही होती है कि तभी पीछे से कोई डायना को आवाज लगाता है। दूसरी तरफ पूरा अपोकलिप्स डार्क साइड और सुपरमैन के बीच की जबरदस्त लड़ाई से हिल रहा होता है, और ये देखकर सारे पैराडीमंस इस सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं उनका होम प्लैनेट तबाह ना हो जाए। तभी डार्क साइड सुपरमैन को एक पंच मार के दूर करता है और अगले पल वो खुद को और बड़ा करके सुपरमैन पर अपनी लेजर से वार करता है। फिर वो सुपरमैन से कहता है कि मैं मरते दम तक तुम पर ऐसे हमले कर सकता हूँ। पर तभी सुपरमैन उठकर डार्क साइड पर एक पंच मारता है और उसको अपने अगले वार में दीवार के आर पार कर देता है। और तब सुपरमैन बिना रुके डार्क साइड की तरफ बढ़ता है, जिसे देख के डार्क साइड बोलता है कि सुपरमैन अपनी पूरी ताकत में, ये बहुत इंप्रेसिव है, तो क्या हम मरते दम तक लड़ेंगे। दूसरी तरफ अर्थ पर डायना बैट प्लेन से हिमालय आती है और अपनी माँ को देखते ही उन्हें गले लगाती है। तब हिपोलिता डायना को बताती है कि ज्यूस ने उन्हें टार्टरस भेज दिया था, जहाँ हार्ली और बिली ने उनकी भागने में मदद करी। तब हमने एरीज का मदर बॉक्स ले लिया और अपोकलिप्स चले गए,
जहाँ डार्कसाइड हमें नुकसान पहुँचाने ही वाला था कि तभी वहाँ सुपरमैन आ गया। ये सुनकर डायना बहुत हैरान होती है। तब हिपोलिता आगे बताती है कि सुपरमैन अभी डार्कसाइड से लड़ रहा है, जिस पे डायना बैटमैन की तरफ मुड़के कहती है कि तुमने सुपरमैन को मरने के लिए भेज दिया। तब बैटमैन डायना से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुमने सुपरमैन को समझने में गलती कर दी है। तब बैटमैन हार्ली की तरफ मुड़के उससे कहता है कि मुझे वो मदर बॉक्स दो, मैं कुछ मदद लेने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ पूरा अपोकलिप्स सुपरमैन और डार्कसाइड की लड़ाई से कांप रहा होता है। तब डार्कसाइड का मास्टर टॉर्चरर सोच रहा होता है कि जब भगवान टकराते हैं तब जमीन हिलती है, और कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि इन लड़ाई से बच पाते हैं, और मैंने अपने मास्टर को अपनी ताकत दिखाते हुए कई बार देखा है, पर आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इस लड़ाई से मेरी जान न चली जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं न्यू जेनेसिस, जो कि न्यू गॉड्स का घर है। वहीं पर ओरायन हाई फादर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि अपोकलिप्स से डेंजरस लेवल की जियोथर्मल एनर्जी निकल रही है, और अगर उसका कोर मेल्ट हो गया तो उसके फटने से कई लोगों की जान जा सकती है। वो लोग बेशक हमारे दुश्मन हो, पर हमें जानना होगा कि वहाँ हो क्या रहा है। तब हाई फादर कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने 10 ओर से बात करी है और उन्होंने मुझे बता दिया है कि अपोकलिप्स पर क्या हो रहा है। अपोकलिप्स पर डार्क साइड सुपरमैन के साथ एक मॉर्टल कॉम्बैट में फंस चुका है, पर हम उनकी लड़ाई का असर अपोकलिप्स पर रह रहे लोगों पर नहीं होने दे सकते, तो अपोकलिप्स पर जाकर मेरा मैसेज डिलीवर करो। इतना सुनते ही ओरायन वहां से निकल जाता है। तभी वहां बैटमैन आता है। अपोकलिप्स पर डार्क साइड सुपरमैन से लड़ते लड़ते उससे बोलता है कि तुम वो सुपरमैन नहीं लड़ रहे जिससे मैं लड़ता आया हूँ, तुम बुरे बन चुके हो, तुम्हारी पत्नी की मौत ने तुम्हें बदल दिया है। पर अगले ही पल सुपरमैन डार्क साइड को एक पंच मार के कहता है कि मेरी पत्नी के बारे में बोलने की हिम्मत भी मत करना। तब डार्क साइड कहता है कि नहीं, तुम अभी भी इमोशनल और कमजोर हो, और कहीं ना कहीं अभी भी तुम खुद को हीरो मानते हो। जिस पे सुपरमैन कहता है कि मैं अपने घर को बचाने के लिए लड़ता हूँ। तब डार्क साइड कहता है कि चाहे कितने भी तुम्हारे हाथों मारे जाएं, हम दोनों ज्यादा अलग नहीं हैं। तभी सुपरमैन और डार्क साइड के हाथ टकराते हैं, जिसकी फोर्स से आसपास सब हिल जाता है। तब डार्क साइड का मास्टर टॉर्चरर कहता है कि हमारा कोर फटने वाला है, आपको अभी रुकना होगा। पर ऐसा सुनते ही डार्क साइड और गुस्से में आ जाता है और वो अपने मास्टर टॉर्चरर को जान से मार देता है। तभी सुपरमैन डार्क साइड के मुंह पर अपनी हीट विजन छोड़ता है, और ऐसा करते हुए वो उससे कहता है कि हम कहीं से भी एक जैसे नहीं हैं, पर मैं थोड़ा बदल जरूर गया हूँ, क्योंकि अब मैं अर्थ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ, और ये तुम अपने बेटे कैलीबैक से पूछ सकते हो। पर अगले ही पल ओरायन वहाँ आके सुपरमैन को पकड़ता है और उससे कहता है कि अब और नहीं। पर सुपरमैन ओरायन को दूर करके बोलता है कि ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है ओरायन, जाओ यहाँ से। तब डार्क साइड ओरायन से कहता है कि बीच में मत पड़ो, नहीं तो इसके बाद मेरा गुस्सा तुम पर बरसेगा। जिसपे ओरायन कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरे पास 10 सोर्स की तरफ से एक मैसेज है, अगर तुमने ये लड़ाई जारी रखी तो तुम्हारे साथ साथ पूरा अपोकलिप्स तबाह हो जाएगा। जिसपे डार्क साइड पूछता है कि क्रिप्टोनियन का क्या होगा। ओरायन बताता है कि 10 सोर्स ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। तब सुपरमैन कहता है कि मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ डार्क साइड, अर्थ से दूर रहो। दूसरी तरफ हाई फादर बैटमैन को बताते हैं कि 10 सोर्स से मुझे तुम्हारे झगड़े के बारे में पता चल चुका है, और उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ करने का गाइडेंस नहीं दिया है। जिसपे बैटमैन पूछता है कि फिर अर्थ का क्या होगा। हाई फादर कहते हैं कि मुझे इंतजार करना होगा। बैटमैन बोलता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। जिसपे हाई फादर कहते हैं कि हम एक ही टाइम टेबल फॉलो नहीं करते बैटमैन। तब बैटमैन गुस्से में बोलता है कि आप शांति से ओल्ड गॉड्स को दुनिया पर राज करने दोगे। जिसपे हाई फादर कहते हैं कि न्यू गॉड्स इंसानों के बीच दखल नहीं दे सकते। तब बैटमैन बोलता है कि फिर तब क्या होगा जब ओल्ड गॉड्स और न्यू गॉड्स मिलकर अर्थ के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। जिसपे हाई फादर कहते हैं कि तुम क्या जानते हो इस बारे में। तब बैटमैन हाई फादर को बताता है कि एरीज और डार्क साइड एक साथ काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अर्थ पे हार्ली बिल्ली को उसके घर छोड़ने जाती है। तब बिल्ली उसकी बाइक से उतरते हुए कहता है कि तुम सड़क पर भी बाइक रोक सकती थी, यहाँ लॉन पे रोकने के बजाय। तब हार्ली जाते जाते बिल्ली से कहती है कि मुझे माफ करना कि तुम्हें तुम्हारी शज़ाम पावर्स खोनी पड़ी। जिसपे बिल्ली कहता है कि मुझे जिंदा रखने के लिए थैंक्स, तुम जबरदस्त हो। तब हार्ली कहती है कि मैं जानती हूँ। तब हार्ली खुद से कहती है कि कल मैं तुम्हें किसी और तरीके से हासिल करूंगी, कल एक नया दिन जो है। वहीं अर्थ पर बैट केव में बैट गर्ल, बैट वुमैन और कैट वुमैन ये सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। तब बैट गर्ल कहती है कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। जिसपे कैट वुमैन कहती है कि हम बिल्कुल बैठ सकते हैं, बैटमैन जा चुका है, सुपरमैन जा चुका है, जस्टिस लीग गायब हो चुकी है, अब बचा ही क्या है, शायद कुछ हो ही नहीं सकता। जिसपे उन्हें आवाज आती है कि जरूर कुछ हो सकता है।
तब वो तीनों देखती हैं अल्फ्रेड को, जो कि उनसे कहता है कि तुम लोग लीग के खिलाफ 4 साल टिक गए सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत के बदौलत, और जहाँ तक मैं ब्रूस को जानता हूँ वो वापस आएगा और सब सही कर देगा। जिसपे कैट वुमैन पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। अल्फ्रेड बोलता है कि मैं कह नहीं सकता, मुझे इस बात पर भरोसा है। दूसरी तरफ अटलांटिस में लीग के बाकी मेंबर्स एक होते हैं। तब फ्लैश आर्थर को जगह देने के लिए थैंक्स बोलता है, जिसपे आर्थर कहता है कि कोई बात नहीं, बस अटलांटिस को इन सब से दूर रखना। फ्लैश कहता है कि बिल्कुल। फिर लीग आपस में डिस्कस करते हैं कि अब क्या करें। वंडर वुमन उन सब से कहती है कि हमें लड़ना होगा, वो भी मरते दम तक। जिसपे हेल कहता है कि तुम्हें पता है कि हम मारे जाएंगे। जिसपे रॉबिन कहता है कि भाड़ में जाए सब, हम सब कभी ना कभी मरेंगे। दूसरी तरफ सारे भगवान अपनी अपनी जगह पर बैठे होते हैं, सिवाय ज्यूस के। तब दुनिया के सारे लीडर कहते हैं कि ये एक अच्छा मौका है अपर कमांडमेंट को खत्म करने का, तो कौन कौन इस चीज के लिए तैयार है। तब सारे लीडर्स अपने अपने हाथ उठाते हैं और अगले ही पल कुछ मिसाइल्स थेमिस्केरा की तरफ लॉन्च होते हैं।